सो गाइस माइनक्राफ्ट के विलेजर कितने ज़्यादा यूजफुल होते हैं ये तो आप सबको पता ही होगा, एंड हम विलेजर से ट्रेड भी कर सकते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा आइटम्स भी मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपने माइनक्राफ्ट के कभी हॉरर विलेजर के बारे में सुना है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ व्लर की। आप सबको व्लर के बारे में पता तो होगा, लेकिन आपको माइनक्राफ्ट में कभी व्लर की स्टोरी पता चली है? तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं द मिस्ट्री ऑफ व्लर। लेकिन गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत कंजूसी कर रहे हो लाइक करने में, सो या वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो या बिगिंस टू द वीडियो। सो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक साइंटिस्ट से जिसका नाम है व्लेन। उसकी जॉब को शिफ्ट कर दिया जाता है एक दूसरी विलेज के अंदर, जो कि विलेज बहुत छोटी विलेज थी लेकिन बहुत अच्छी विलेज मानी जाती थी वहाँ की। पहले दिन ये लोग उसे इग्नोर कर रहे थे, लेकिन उसने उस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया, वो सीधा मिलने चला गया चीफ से। उसे पता नहीं था कि चीफ कहाँ रहते, तो उसने गार्ड से जाके पूछ लिया विलेज के, एंड गार्ड ने उसे रास्ता बता दिया। वो चीफ से मिलने पहुंच गया एंड उसने बताया कि उसकी जॉब यहाँ पे शिफ्ट कर दी गई है। चीफ बहुत रूडली बात कर रहा था उसे, इसलिए उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीफ को उस पर यकीन नहीं था, तो चीफ ने उससे बोला कि मुझे एक हीलिंग का पोशन दो। तो उसने हीलिंग का पोशन चीफ को देके वो चला गया। रात का समय होने वाला था इसलिए वो अपने घर पे चला गया, लेकिन उसने घर में जाके ये देखा कि उसके घर के अंदर तो बेड ही नहीं है, तो वो दूसरे विलेजर के घर जाके सो गया। दिन ऐसे ही बीत रहे थे और पता ही नहीं चला कि कब उसे एक हफ्ता हो चुका था इस विलेज में, और वो काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहा था अपने विलेज में। विलेज का बिहेवियर स्टार्टिंग से ही ठीक नहीं था, एंड उसको पता चला कि जब वो अपना नया एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो किसी बंदे ने उसका पोशन एक्सचेंज कर दिया। रिस्क लेके वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था एंड उसके ऊपर साइड इफेक्ट हो चुका था गलत पोशन पीने की वजह से, एंड उसके साथ पता नहीं क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट के चलते चलते उसने अपने दोनों हाथ खो दिए। जब चीफ ने जाके उसको अपनी बात बताई तो चीफ ने कुछ भी आंसर नहीं दिया। चीफ ने बोला ये तुम्हारी गलती है, हमारे विलेज की कोई भी गलती नहीं है, और चीफ ने सीधा गार्ड से बोल दिया कि इसको विलेज से बाहर निकाल दो। विलन बिल्कुल पागल हो चुका था, उसके अपने शरीर पे कंट्रोल ही नहीं था, क्योंकि उसके साथ जो साइड इफेक्ट हुआ था और जो चीफ ने बोला उसको बुरा सदमा लग चुका था। उसी रात विलन को जॉम्बीज के पास छोड़ दिया गया और विलन बहुत मुश्किल से बच के भागा। विलन बहुत डरा हुआ था और बहुत गुस्से में भी था, तो उसने सोच लिया था कि वो विलेज से रिवेंज जरूर लेगा। उसने अपने ऊपर उसी दिन एक्सपेरिमेंट्स करे और उसे पता था कि ये एक्सपेरिमेंट उसके काम आने वाले हैं, और तभी जन्म होता है व्लर का। मुझे नहीं पता स्टोरी में कितनी सच्चाई है, तो मैं इसको जाके टेस्ट करने वाला हूँ आज के आज ही। सो बहुत रिसर्च के बाद मुझे इंटरनेट पे फाइनली व्लर का वर्ल्ड मिल गया, एंड मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है। सो मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे व्लर यहाँ पे मिलेगा भी या फिर नहीं। अभी यूजुअली स्टार्टिंग के लिए मैं टूल्स बना लेता हूँ अपने लिए, एंड यहाँ पे अभी बिर्ज के पेड़ है एंड नॉर्मली नेचर लग रहा है मुझे यहाँ का भी। अभी मैं अपने लिए टूल्स बना लेता हूँ यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल रख के, एंड मैं बस एक स्वॉर्ड बना लेता हूँ अभी के लिए। अरे नहीं, मैंने गलती से चेस्ट बना ली, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा अभी मेन गोल होगा कि मुझे अभी व्लर की विलेज ढूंढनी है, एंड मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो विलेज मिलेगी कहाँ। मुझे मैंने वेबसाइट पे ये पढ़ा था कि स्पॉन पे मतलब रेडस्टोन और स्कल्स पड़े रहते हैं, एंड मुझे अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है। सो या हो सकता है कि वाली मिथ बस भी हो सकती है, एंड अभी विलेज ढूंढनी है तो मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एंड वेट, नहीं भाई नहीं, ओह नो यार, ये मतलब यार मैं रियल वर्ल्ड में तो नहीं आ गई, यहाँ पे स्केलेटन्स की स्कल्स और यहाँ पे रेडस्टोन लगा हुआ है। नो भाई, डोंट से कि मेरे पास में ही विलेज है, मतलब यार मेरे स्पॉन पॉइंट के पास ही विलेज है। नहीं यार, ये मतलब ये मिस सच होने वाली है क्या? नहीं यार, यहाँ पे फिर से रेडस्टोन लगा हुआ है, एंड यार यहाँ पे मतलब बिल्कुल रेडस्टोन और स्कल्स लगे हुए हैं। नो वेज, यहाँ पे रात कैसे हो गई? अबे नहीं यार, यार यहाँ पे रात कैसे हो गई लिटरली? यार यार यहाँ पे कुछ तो अब नॉर्मल नहीं भाई, क्या ये विलेज ही है वही? यार मुझे तो लावा लग रहा है बिल्कुल सेम वहीं पे। नहीं भाई, अरे नहीं भाई यार, ये तो विलेज ही है यार, ये कैसे? अरे नहीं भाई, मुझे वहाँ जाके देखना ही पड़ेगा व्लर है कि नहीं है वहाँ पे। यार सच में है क्या व्लर यहाँ पे? मतलब यार यहाँ पे मतलब पूरी विलेज, यार मैंने जैसे वेबसाइट पे देखा था बिल्कुल सेम है यार, यहाँ पे लावा है यहाँ पे और पूरी विलेज खत्म हो रखी है। हाउ इज दिस पॉसिबल यार, मतलब व्लर की मैं सच में वर्ल्ड में आ चुका हूँ क्या? नहीं भाई यार, अब ये डरने वाली बात हो चुकी है, क्योंकि यार व्लर यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। अभी नहीं, बच गया मैं, अभी बच गया यार, अभी मर जाता। अब यार मुझे वहाँ जाना है, वहाँ कैसे जाऊँ? थोड़ी प्रोग्री करके ही चला जाता हूँ, एंड मुझे लगता है थोड़ा रिस्की होने वाला है। अरे नहीं, अबे नहीं यार, मैं कैसे गिर गया? अबे यार, अब फिर से आना पड़ेगा मुझे इतनी दूर से वहाँ से। यार एक सेकंड, मैं विलेज में कैसे स्पॉन हो गया? ये क्या हुआ भाई? भाई ओ नो भाई, ये क्या है? स्कल्स लगा है और रेड स्टोन लगा हुआ है ये। वेट नो वेज, यार ये क्या हो रहा है? एंड डोंट से मी दैट, क्या ये व्लर का घर है क्या पीछे मेरे ये? अरे हाँ, वहाँ पे चीफ का घर ट्री था और यहाँ पे व्लर का घर है। मुझे लगता है मैं इसके घर के अंदर जाके देखूँगा।
हो सकता है ब्लर अभी भी वहाँ पे अंदर हो। देखो यार, रिस्क तो लेना पड़ेगा मुझे एक बार, तो मैं रिस्क लेके ही रहूँगा। इस बार तो लेना ही पड़ेगा मुझे अब रिस्क, क्योंकि ब्लर को तो ढूंढना ही है। नो यार, मैं अभी ब्लर के घर में जाने वाला था, एंड यहाँ पे अभी थंडर स्टॉर्म जैसा वेदर हो चुका है, एंड यहाँ पे स्कल है जिससे मुझे ऑर्डर लग रहा है। चलो भाई, मुझे शायद अंदर अब जाना चाहिए, हिम्मत करके माउंटेन ड्यू पी के चलते हैं अंदर। ओ नहीं, ब्लरी। होप सो गाइस तुम्हें वाली वीडियो पसंद आई होगी, एंड नीचे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे देना कि तुम्हें ब्लर की स्टोरी अच्छी लगी। सो या गाइस, दैट्स फॉर द वीडियो। टिल देन, टेक केयर एवरीबॉडी एंड गुड बाय।